सीएम होने के बाद तो उनको सरेंडर कर देना चाहिए था ना जी। और सीएम होने के बाद अगर बाकी चीज वो कर रहे हैं तो उन्हें वायलेशन कर रहे हैं, सीधा सीधा आपराधिक मामला बनता है। वो तो बोल रहे हैं कि दाल रोटी चलाने के लिए अपना। अरे दाल रोटी चलाने के लिए क्या भाई, तब तो फिर अपने नाम से परिवार के नाम से पूरा झारखंड ही वो लिखा ले, फिर बाकी लोग क्या करेंगे, कौन सी दाल रोटी की उनको प्रॉब्लम है। रिटायर करेंगे तो पेंशन मिलेगा और इसके बाद भी बोलता है दाल रोटी के लिए, कौन आप लोगों को समझा रहा है ये सब बातें। तीसरा मोर्चा समझा रहा है। अब तीसरा मोर्चा समझा रहा है पता नहीं कि, शायद उनको नहीं पता है, उनको ही बताइएगा कि भाई रिटायर होने के बाद पेंशन मिलेगा। जब पेंशन मिलता है तो दाल रोटी के लिए नहीं मिलता है, फिर कोची के लिए मिलता है। और उसके बाद भी अगर ये सब कुछ है अपने नाम पर करेंगे तो बाकी लोग क्या करेगा, ये तो बिल्कुल कानूनी अपराध है और उन्होंने अपराध किया है। और आज अगर बीजेपी के लोगों ने मुख्यमंत्री के ऊपर एक हल्का सा प्रयास किया, कोई बहुत जोर नहीं किया कि भाई इनको इस्तीफा करना चाहिए, तो जोरदार तरीके से उठाएं, तार्किक तरीके से उठाएं, तब तो एक बात होती है। कोई कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। लीज की प्रक्रिया 2008 से चल रही थी और मुख्यमंत्री के नाम से ही एप्लीकेशन था। हम लोग तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री की जानकारी में था कि नहीं था, ये तो मंत्री भी उस विभाग के हैं, था भी तो इनको उसको उससे इनकार कर देना चाहिए था, क्योंकि एक छोटा सा लीज है, इसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि बहुत बड़ी संपत्ति बना लिया। 80 डिसमिल का लीज है, मुश्किल से 6-7 हज़ार टन का उसमें पत्थर है, तो इसको लेकर मुख्यमंत्री बहुत कोई तीर पार लेंगे, बहुत संपन्न हो जाएंगे, बहुत कैसा पैसा कमा लेंगे, ऐसा तो है नहीं। इसलिए मुख्यमंत्री को सावधानी रखनी चाहिए, ये नादानी में हुआ काम है। मेरा तो सुझाव है कि इसको लौटा देना चाहिए, उनको वापस कर देना चाहिए और हमेशा के लिए विवाद को बंद कर देना चाहिए। झारखंड की आवाज़ YouTube न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।